नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य AFM राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्टेट बैंक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में प्राचीन समय से बैंकिंग व्यवसाय देशी बैंकरों, महाजनों, साहूकार इत्यादि के माध्यम से संचालित था, किंतु ब्रिटिश शासन के प्रसार के साथ साथ इनकी कार्य पद्धति अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। इसका प्रमुख कारण देशी बैंकरों का अंग्रेजी भाषा की ज्ञान का अनुभव था, ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली की अज्ञानता था। इसके फलस्वरूप देश में आधुनिक बैंकिंग का विकास आरंभ हुआ। देश में आधुनिक बैंकिंग का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में एजेंसी गृहों की स्थापना का मुख्य कारण ब्रिटिश व्यवसायी वर्ग का स्थानीय देशी बैंकरों की भाषा तथा कार्य प्रणाली की अज्ञानता था, और देशी बैंकर स्वयं भी विदेशी व्यापार को प्रदत्त की जाने वाली वित्तीय सहायता की विधियों तथा प्रक्रियाओं से अपरिचित थे। वास्तव में देश में आधुनिक बैंकिंग के विकास में एजेंसी ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यह ग्रह असीमित दायित्व के सिद्धांत पर आधारित थे तथा विदेशी व्यापार को भी वित्त प्रदान करते थे। प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना। एजेंसी ग्रहों ने से प्रबंध व नियंत्रण अव्यवस्थित था, इनमें सट्टे इत्यादि की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य संबंधी एकाधिकार समाप्त हो जाने के कारण एजेंसी ग्रह असफल होने लगे तथा तत्कालीन सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ सरकारी व राज्य समर्थक बैंकों की स्थापना का निश्चय किया। सर्वप्रथम सन 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। इसके पश्चात सन 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई तथा सन 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इनकी स्थापना मिश्रित पूंजी वाले बैंक के रूप में की गई तथा इनके अंशधारी अधिकांशतः विदेशी थे। इन बैंकों में सरकार का भी हिस्सा था तथा इनकी प्रबंध व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण था। इनकी कार्यप्रणाली में कई दोष विद्यमान थे, किंतु फिर भी इनका भारतीय बैंकिंग में उल्लेखनीय स्थान है। इंपीरियल बैंक की स्थापना। प्रथम विश्वयुद्ध के समय देश में बैंकिंग विकास की स्थिति अधिक गंभीर थी। बैंक असफलता की ओर उन्मुख होने लगे। इस सतत असफलता के क्रम में नियंत्रित करने हेतु कमजोर बैंकों को एकीकृत कर सुदृढ़ बैंक स्थापित किए जाने लगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों, मुंबई, कोलकाता और मद्रास को एकीकृत कर सन 1921 में इंपीरियल बैंक अधिनियम 1920 के अधीन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसकी अधिकृत पूंजी 1125 करोड़ थी, जो 500 रुपये के 2.5 लाख अंशों में विभक्त थी। बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी 5625 करोड़ रुपए थी। क्षेत्रीय अभिरुचि को रुचि तथा बैंकिंग स्वातंत्र्य को बनाए रखने के लिए बैंक ने अपने स्थानीय कार्यालयों मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में अलग अलग स्थानीय मंडल गठित किए। ये स्थानीय मंडल उन अंशधारियों द्वारा गठित थे जिनका नाम मुंबई, कोलकाता और मद्रास कार्यालय में अंकित था। इन मंडलों का मुख्य नियंत्रण केंद्रीय मंडल के पास ही रहता था, लेकिन इनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोषाध्यक्ष व सचिव होते थे, जो अपनी अपनी निकायों या बोर्डों को प्रशासित करते थे। केंद्रीय मंडल के कार्य उपनियमों के द्वारा निर्धारित होते थे। यह सामान्य नीति संबंधी कार्यों को ही करता था। इंपीरियल बैंक का संगठन एवं प्रबंध। बैंक का वास्तविक कार्यकारी कार्य प्रबंध के निदेशक तथा उप प्रबंध के निदेशक द्वारा संचालित किया जाता था, जो केंद्रीय मंडल में 5 वर्ष के लिए चुने जाते थे, और इनकी अवधि में वृद्धि भी संभव थी। सामान्यतः केंद्रीय मंडल निम्न निदेशकों से मिलकर बनता था: स्थानीय मंडलों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, उप प्रबंध के निदेशक, 2 व्यक्ति अधिकतम गवर्नर जनरल के द्वारा 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते थे। इनका पुनर्मनोनयन संभव था। प्रत्येक स्थानीय निकाय के सदस्यों में से 1 व्यक्ति, स्थानीय संस्थाओं के सचिव, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी, सभी निदेशकों को मताधिकार था, लेकिन उप प्रबंध के निदेशक, स्थानीय संस्थाओं के सचिव तथा मनोनीत सरकारी अधिकारी को सभाओं में मत प्रदान करने का अधिकार नहीं था, परंतु उप प्रबंधक संचालक प्रबंध संचालक की अनुपस्थिति में मत प्रदान कर सकता था। प्रादेशिक ईर्ष्या से बचने हेतु केंद्रीय मंडल को किसी भी एक स्थान पर स्थापित नहीं किया गया, वरन इसकी सभाएँ नियमित अंतराल से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आयोजित की जाती थी। सन 1935 में तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना निम्न प्रकार थी।
एक गवर्नर जनरल तथा मनोनयन सदस्य, दो प्रबंधकीय गवर्नर, चार अर्धशासकीय गवर्नर जो भारतीय समुदाय की अभिरुचि का सामान्यतः प्रतिनिधित्व करते थे, तीन स्थानीय निकायों के लिए तीन सचिव, मुद्रा नियंत्रक जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। इन सदस्यों में से तीनों निकायों के तीन सचिव तथा मुद्रा नियंत्रक मंडल की सभाओं में सम्मिलित हो सकते थे, पर इन्हें मत प्रदान करने का अधिकार नहीं था। दूसरा है अंशधारियों द्वारा चुने हुए। अंशधारियों द्वारा केवल स्थानीय मंडलों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ही चुने जाते थे। इंपीरियल बैंक सन 1935 के तक बैंकों का बैंक व सरकार के एकमेव बैंक के रूप में कार्य करता था। इसी कारण इस पर कुछ सरकार नियंत्रण थे जो निम्नानुसार हैं। इंपीरियल बैंक के केंद्रीय संचालन में प्रबंधकीय गवर्नर, मुद्रा नियंत्रक, स्थानीय निकायों के सचिव व चार गवर्नर सरकार नियुक्त करती थी। इसमें मुद्रा नियंत्रक के सरकार की नीति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार था। दूसरा, सरकार के बैंक के कोष व वित्तीय स्थिति के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार था। तीसरा, बैंक के लिए आवश्यकता की और सरकार को आवश्यकता पड़ने पर किसी सौदे के संबंध में सूचना प्रदान करें, संपत्तियों व दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करें, सरकार के बैंक खाते की जांच के लिए अंकेशक नियुक्त करें। पांचवा, बैंक के शाखा विस्तार पर भी प्रतिबंध था। नई शाखाएं सरकारी अनुमति के बिना नहीं खोल सकता था। सन 1935 में रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित हुआ। तब इंपीरियल बैंक के उपयोग से भी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, क्योंकि अब इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक न रहकर मात्र शक्तिशाली व्यापारिक बैंक के रूप में ही कार्यरत था। इंपीरियल बैंक की कार्यप्रणाली। जब इंपीरियल बैंक स्थापित हुआ तब संपूर्ण देश विश्वव्यापी मंदी के कारण बैंकिंग संकट से ग्रस्त था। संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था खंडित तथा विभाजित थी। इस कारण तीन बड़े प्रेसिडेंसी बैंकों का एकीकृत कर इंपीरियल बैंक की स्थापना का लक्ष्य बैंकिंग व्यवसाय में समन्वय स्थापित कर विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करना था। यानी इंपीरियल बैंक की स्थापना प्रोफेसर केंज के सुझाव पर इस कल्पना के साथ की गई कि यह बाद में केंद्रीय बैंक के रूप में विकसित होगा। सन 1935 में इंपीरियल बैंक देश के आर्थिक जीवन में तीन प्रकार से समाई हुई थी, केंद्रीय बैंक के रूप में, व्यापारिक बैंक के रूप में तथा सरकारी बैंक के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या ग्रामीण साख की है। भारतीय ग्रामीण का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ ऋण के अभाव में कृषि का विकास अपरिहार्य है। भारतीय कृषकों को ऋण आवश्यकताओं के संबंध में सर एमएल डार्लिंग ने कहा है कि ऋण के बिना कृषि कार्य करना अटलांटिक महासागर के झंझावतों के विरुद्ध एक छोटी सी नाव द्वारा टक्कर झेलने की तरह सर्वथा असंभव है। भारत में खेत बहुत छोटे छोटे बिखरे हुए हैं तथा प्रकृति के व्यवहार समुद्र की तरह कृषि भूमि पर उतना ही विनाशकारी हो सकता है। सन 1939 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1920 के अधीन सभी अधिकृत कार्यकर्ता था जिनमें प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिम देना, भारत में देय बिलों का आहरण, बट्टा इत्यादि करना, जमाएं प्राप्त करना तथा नकद खाता संचालित करना, निरापद अभिरक्षा हेतु जवाहरात इत्यादि रखना तथा कमीशन पर एजेंसी संबंधी कार्य संचालित सम्मिलित है। बैंक आंतरिक व्यापार में वित्त व्यवस्था हेतु मान्यता प्राप्त देशी बैंकरों के हुंडियों की कटौती भी करता था तथा वस्त्र उद्योगों के लिए अल्पकालीन वित्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराता था। इंपीरियल बैंक अपने समय में एक शक्तिशाली बैंक था। यह सरकारी बैंक, व्यापारिक तथा बैंक तथा केंद्रीय बैंक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य करता था। इतना होते हुए भी इसकी कार्यप्रणाली में कई दोष विद्यमान थे। इस कारण इंपीरियल बैंक की स्थापना के समय निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका और सन 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने इंपीरियल बैंक की तीन अवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त किया और वह इस प्रकार है। इंपीरियल बैंक पर सरकारी नियंत्रण ढीला था। इंपीरियल बैंक पर कुछ व्यक्तियों का ही आधिपत्य था। इसमें भारतीयों को कोई स्थान नहीं था। अधिकांश उच्चाधिकारी विदेशी थे। समिति इंपीरियल बैंक के शाखा विस्तार से भी संतुष्ट नहीं थी। इस समिति ने इंपीरियल बैंक के उपयुक्त दोषों को दूर करने हेतु आधिकारिक
सरकारी नियंत्रण का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त इंपीरियल बैंक की कार्यप्रणाली अन्य कई दृष्टियों से भी आलोच्य थी। इसकी शाखा विस्तार नीति अविवेकपूर्ण थी, जहां इंपीरियल बैंक को सन 1951 से 1953 के मध्य 30 शाखाएं स्थापित करनी थी, वही मात्र 2 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कर पाया। इसी शाखा विस्तार के दौर में इंपीरियल बैंक का सन 1951 से 1956 तक 274 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का लक्ष्य था, परंतु यह मात्र 1936 तक 114 शाखाएं स्थापित कर पाया। इंपीरियल बैंक के संबंध में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन में भी इसकी शाखा विस्तार नीति महत्वपूर्ण आलोच्य विषय था। समिति के अध्यक्ष श्री एडी गोरवाला ने शाखा विस्तार नीति की आलोचना करते हुए कहा कि बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार के संबंध में स्रोत प्रदर्शित नहीं किए, इस कारण कृषि साख पर्याप्त मात्रा में सुदृढ़ नहीं हो सकी। इंपीरियल बैंक व अन्य व्यापारिक बैंक कृषि साख में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेते थे, तथा ये अन्य बैंकों व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ऋण प्रदान करते थे। सन 1951 में भारतीय ग्रामीण साख के विस्तृत अध्ययन हेतु अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति गठित की गई और इस समिति ने 1954 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिससे इंपीरियल बैंक के संबंध में देश में या ग्रामीण साख के क्षेत्र में असफलता को उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि देश में ग्रामीण साख की व्यवस्था हेतु एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का जाल बिछाकर देहातों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करें और विकास करें, तथा कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में साख की व्यवस्था कर सके। इस प्रकार इन सुझावों को दृष्टिगत करके इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तथा इसके साथ ही 8 रियासती बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई, तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपेक्षा की गई कि वह अधिक से अधिक शाखा विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करे, सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करे, तथा राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप कार्य संचालन करे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त सुविधाएं पहुंचाने के लिए सहकारी साख संस्थाओं का विकास आवश्यक था, और सहकारी संस्थाओं के पोषण के लिए किसी शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई। तत्कालीन समय इंपीरियल बैंक एक शक्तिशाली व्यापारिक बैंक था, लेकिन ग्रामीण साख में इसका योगदान नगण्य था। इस पर विदेशी व्यक्तियों का आधिपत्य था। इसकी शाखा विस्तार नीति दोषपूर्ण थी। इस पर सरकारी नियंत्रण भी ढीला था। इस प्रकार इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के दोषों को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में साख सुविधा पहुंचाने हेतु ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सुझाव प्रस्तुत किया कि देश में ग्रामीण साख की व्यवस्था हेतु शक्तिशाली बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का जाल बिछाकर देहातों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करें, तथा कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में साख की व्यवस्था कर सके। समिति का यह मत था कि इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित हो, एक सुदृढ़ राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करें। समिति का यह सोचना था कि इंपीरियल बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार बैंकिंग के विकास में अधिक सहायक होगा, मुख्य रूप से धन प्रेषण सुविधाओं में, जो मुख्यतः रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही समिति ने 10 या रियासती बैंकों को इंपीरियल बैंक के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया, ताकि नवनिर्मित स्टेट बैंक समूह राष्ट्रीय नीतियों का पालन अधिक कुशलता से कर सके। इस समिति ने स्टेट बैंक की स्थापना निम्न प्रकार की गई: इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 10 बड़े रियासती बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, द बैंक ऑफ राजस्थान, द बैंक ऑफ इंदौर, द बैंक ऑफ मैसूर, द बैंक ऑफ बड़ौदा, द हैदराबाद स्टेट बैंक, द ट्रावणकोर बैंक और कुछ अन्य छोटे छोटे रियासती बैंक जैसे सांगली बैंक, द मणिपुर स्टेट बैंक, द बैंक ऑफ भागलखंड और द मयूरभंज स्टेट बैंक को एकीकृत किए जाने का सुझाव दिया। समिति के इस सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया, तथा देश के बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1 जुलाई 1953 को हुआ, तथा इंपीरियल बैंक अपने सहायक
रियासती बैंकों के साथ स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया। धन्यवाद।